subscribe to ADA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show. So, आज के शो में हम करने वाले हैं बात कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में. यहाँ पर आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, वो है यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव थॉट्स, या फिर नेगेटिव माइंड आप बोल सकते हैं. हम लाइफ को पॉजिटिवली नहीं जी सकते जब तक हमारा माइंडसेट जो होगा वो नेगेटिव होगा. सो यू हैव टू बी पॉजिटिव इन लाइफ. अपने लिए जितना पॉजिटिव आप सोच सकते हो उतना आपको पॉजिटिव सोचना है, तभी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा. एंड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी एंड ऑल द नेगेटिव पीपल. जो भी आपके बारे में बुरा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, या फिर जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, ऐसी चीज़ों से आपको लाइफ में दूर रहना है ताकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिव रह सकें. तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में याद रख लेनी है. तो चलिए, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पर आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. कल हमारे क्लास हुआ था जो था 4 PM क्लास, बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसे हमने कवर किया था चेक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. तो वहाँ पर वो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो वो भी आप क्लास देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल प्लेटफॉर्म विल लॉन्च ग्लोबल कॉइन दैट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी इन 2020. इनमें से कौन से सोशल प्लेटफॉर्म जो है एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल कॉइन है, कब लॉन्च करेगा, 2020 में लॉन्च करेगा. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. यहाँ पर जो आपको चीज़ पता होना चाहिए वो है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है. जैसे हमारी नॉर्मल करेंसी होती है, हर एक कंट्री की करेंसी होती है, वैसे ही होती है क्रिप्टो करेंसीज. आप क्या बोल सकते हो ये क्या है, डिजिटल मनी है. इसमें क्या हो सकता है, आपको कोई पर्टिकुलर कॉइन हो सकता है और उसकी क्या होती है, कोई वैल्यू होती है, उसको क्या बोला जाता है, क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है. आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मनी का, वो किसके थ्रू कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कर सकते हैं. ऐसा लॉन्च करने वाला जो ग्लोबल कॉइन है वो लॉन्च किसने किया है. यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ फेसबुक. सो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए फेसबुक याद रख लेना है. अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. आपको पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन का नाम भी आपने सुना होगा, तो आपको यहाँ से ये भी नाम याद रख लेना है. बिटकॉइन भी क्या है, एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी. आप इसको क्या बोल सकते हो, डिजिटल मनी या फिर डिजिटल एसेट भी बोल सकते हो, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी हमारा जो भी लेन देन होता है वो करते हैं हम किस में, क्रिप्टो करेंसी में. सो दिस इज़ अ थिंग जो आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. सो हु हैज़ बीन स्वॉन इन एज अ नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम. देखो, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अभी चेंज हो चुके हैं. आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका क्या नाम है. ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है. देखो, इस टाइम पे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के वो कौन थे. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ द पवन कुमार चामलिंग जो हैं वो पहले क्या रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सिक्किम के. ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम. यहाँ पर अब जो उनकी जगह बन गए उनका क्या नाम है, प्रेम सिंह गोले हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके, तो आपको प्रेम सिंह जो है उनका नाम याद रख लेना. ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हाट, सिक्किम, और उन्होंने रिप्लेस किसको किया है, पवन कुमार चामलिंग को रिप्लेस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच कंट्रीज वायर कार्ड ए कंपनी हैज़ टीम्ड अप विद इंडिया टू इशू द पैन कार्ड्स. जो हमारे पैन कार्ड्स होते हैं उसको इशू करने के लिए वायर कार्ड ने अग्रीमेंट कर लिया है, एक टीम अप कर लिया है इंडिया के साथ में. लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वायर कार्ड जो है वो कहाँ की कंपनी है, यानी कौन सी कंट्री की वो कंपनी है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ जर्मनी. तो वायर कार्ड कहाँ की कंपनी है, जर्मनी की, वो जर्मनी की एक कंपनी है. सो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ जर्मनी. जर्मनी की कैपिटल और करेंसी क्या है. सो जर्मनी से आपको जो याद रख लेना है वो क्या है, बर्लिन है, एंड द करेंसी इज़ व्हाट, यूरो. ओके, सो जर्मनी, बर्लिन, यूरो, ये आपको यहाँ याद रख लेना है. आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा.
Which country has launched the extra vessel to keep an eye on the terrorist who may have left the country to land on the Indian shores? देखो यहाँ पर अगर आपको बताओ टेररिस्ट अटैक हुआ था, इनमें से कौन सी कंट्री में रिसेंटली टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसी ने ये यहाँ पर लॉन्च किया है. तो टेररिस्ट अटैक जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका में हुआ था. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज श्रीलंका. आपको पता है श्रीलंका जो है ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली क्या अनाउंस किया था? नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर दिया था. फर्स्ट थिंग आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जो हमारे वेल होता है यानी जो घूंघट किया जाता है उसको कौन सी कंट्री ने बैन किया था? तो वो भी किसने बैन किया था? श्रीलंका ने बैन किया था. और जो हमारे लाइक ड्रोन्स होते हैं उनको भी बैन कर देते श्रीलंका में ड्यू टू दैट टेररिस्ट अटैक, जो वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी वजह से. और उन्होंने अभी क्या लॉन्च किया था? एक्स्ट्रा विजिल जो है वो लॉन्च किया था. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नासा हैज़ अनवील्ड मून मिशन, नासा ने अपना मून मिशन जो है उसको अनवील किया कर दिया. उसका क्या नाम है? आर्टमीज नाम है उसका. व्हाट इज़ द टारगेट ईयर फॉर दिस मिशन? इस मिशन का टोटल टारगेट ईयर कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. देखो आर्टमीज अगर आपसे वन पूछा जाए, आर्टमीज वन का टारगेट ईयर जो है वो 2020 है. दे विल बी इट विल बी कनेक्टेड इन थ्री फेजेज. ये पूरा मिशन जो है वो थ्री फेजेज में चलने वाला है. और आर्टमीज थ्री जो है उसका जो लास्ट टारगेट होगा वो 2024 होगा. यानी जो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज 2024. तो ओवरऑल मिशन का अगर आपसे टारगेट पूछा जाएगा तो आपको 2024 बताना है. बट इन केस आपसे अगर फर्स्ट का पूछा जाएगा तो आपको 2020 ही बताना है. यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? सो जिम ब्रिटस्टीन जो हैं वो क्या हैं? नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये हमें पता होना चाहिए. ओके सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्गेनाइजे, यहाँ पर देखो आप एक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि पांच में से यहाँ पर कितने क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर ठीक हुए हैं, कितना आपने स्कोर किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनवील्ड अ न्यू स्ट्रैटेजी टू टैकल द ग्लोबल स्नेक बाइट, दैट इज एमरजेंसी. तो ये किसने शुरू किया है? एक नया स्ट्रैटेजी है एमरजेंसी. तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है. देखो हेल्थ से रिलेटेड एक इशू है ये. तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. अब यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन हो जाता है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? जेनेवा में हेडक्वार्टर है WHO का. और टेड्रस एडनोम जो हैं वो क्या हैं? हेड हैं किसके? WHO के. ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरिल रामाफोसा टुक ओथ एज द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. हमें पता है सिरिल रामाफोसा जो है वो साउथ अफ्रीका के नए प्राइम मिनिस्टर नए प्रेजिडेंट बन गए हैं. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से नंबर के प्रेजिडेंट बने हैं सिंस 1994. तो वो कौन से प्रेजिडेंट बने हैं? यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज फिफ्थ. तो फिफ्थ बने हैं. अभी उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? देखो 2018 में जो प्रेसिडेंट थे वो करप्शन की वजह से उनको हटा दिया गया था. तो उनका क्या नाम था? जैकोब जुमा. तो अगर आपसे पूछा जाएगा उन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो हम क्या बता देंगे? जैकोब जुमा ही बता देंगे. यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है उसकी कैपिटल क्या है? केप टाउन है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख लेनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नेशन पेज होमेज टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी. जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी किस दिन होती है, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी ऑप्शन में से. ओके सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 27th में. तो यहाँ पर आपको 27th में याद रख लेना है. देखो यहाँ पर उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो कौन सी डेथ एनिवर्सरी है इस बार? वो है 55th डेथ एनिवर्सरी. ओके सो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, 27th में आप याद रख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वन द 2019 सुधीरमन कप बैडमिंटन चैम्पियनशिप? सुधीरमन कप जो है वो किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन चैम्पियनशिप से रिलेटेड है. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो कप कौन सी कंट्री ने जीत लिया है. तो देखो यहाँ पर जिस कंट्री ने जीता है उसने बीट किस कंट्री को किया है, यानी रनर अप कहाँ कौन है वहाँ पर? जापान है. यानी सेकंड पोजीशन पे जो कंट्री रही वो कौन सी थी? जापान थी. लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे जो रही वो कौन सी है? चाइना है.
ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पता होना चाहिए वो चाइना पता होना चाहिए। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ दिस चैम्पियनशिप, ये जो चैम्पियनशिप थी इसका वेन्यू क्या रहा है। तो यहाँ पर जो वेन्यू रहा वो क्या रहा, नाइनिंग चाइना, नाइनिंग चाइना जो था वो इसका वेन्यू था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इस चैम्पियनशिप का वेन्यू। ओके, सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन लीडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, टू मीट द न्यू जापानीज एम्परर दैट इज़ नारुहितो। नारुहितो जो हैं वो जापान के नए एम्परर बन गए, हमें पता है वो कौन से नंबर के एम्परर है, 26 एम्परर हैं, किसकी जगह बने हैं वो, अकिहितो की जगह बने हैं। ठीक है, तो अकिहितो की जगह कौन बन गए हैं, अब नारुहितो बन गए हैं 26 एम्परर ऑफ जापान, और उनसे मिलने वाले पहले फॉरेन लीडर कौन बन गए हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिले हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। सो जापान की जो कैपिटल है वो क्या है, टोक्यो है, एंड द करेंसी इज़ येन, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ने बैन कर दिया है जमात उल मुजाहिदीन को, जो क्या है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान, येमेन, सीरिया या फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए वहाँ की कैपिटल और करेंसी क्या है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है, ढाका है, एंड द करेंसी इज़ टका। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद क्या है, प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, शेख हसीना इज़ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, अभी एक न्यूज़ आया था कि बांग्लादेश जो है वहाँ के फादर ऑफ नेशन जो हैं उनके ऊपर एक मूवी बनने वाली है, तो वो मूवी कौन सी कंट्री उसके साथ प्रोड्यूस करने वाली है बांग्लादेश के साथ मिलकर। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंडिया और बांग्लादेश जो हैं दोनों मिलकर एक मूवी बनाने वाले हैं बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हु इज़ द फादर ऑफ द नेशन फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन है उनका क्या नाम है। सो यहाँ पर देखो आपको जो नाम याद रखना है वो क्या है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जो है फादर ऑफ नेशन है, कहाँ के, स्लाइड हटा दीजिए, शेख मुजीबुर रहमान जो है वो फादर ऑफ नेशन है, कहाँ के फादर ऑफ नेशन है, बांग्लादेश के, और उनके ऊपर जो मूवी बनने वाली है वो इंडिया और बांग्लादेश मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड थायरॉयड डे, किस दिन वर्ल्ड थायरॉयड डे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। थायरॉयड इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़, आपको पता होना चाहिए। सो इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दिन मनाया गया था। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, आंसर दिखा दीजिए, सो आंसर इज 25th मई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, आई होप आपके 12 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर शो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड SCO दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया फोरम हेल्ड इन विच सिटी, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सेकेंड मास मीडिया फोरम है वो कहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिश्केक। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बिश्केक जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है। ओके, सो अगर आपसे ये पूछा जाएगा, ओके, सो किर्गिस्तान जो है उसकी कैपिटल जो है वो बिश्केक है, एंड द करेंसी इज सोम, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सो इसका वेन्यू याद रख लेंगे। अब आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ SCO दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, बीजिंग चाइना। ओके, सो बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर किसका है, SCO का है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि ये जो पूरा समिट रहा था इसको इनोग्रेट किसने किया। तो यहाँ पर आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको क्या किया था, इनोग्रेट किया था, और उनका क्या नाम है, एस जीनबेको, उन्होंने इनोग्रेशन किया था। यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दीजिए, उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, एस जीनबेको जो है वो प्रेसिडेंट है कहाँ के, किर्गिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सहारा हॉस्टल फॉर द वीर नारीज हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विस सिटी। वीर नारीज का यहाँ पर मतलब है जो डेवी पर्सन्स होते हैं, उनकी जो विडोज होती हैं, उनके लिए यहाँ पर एक हॉस्टल खोला गया है जिसका नाम क्या है, सहारा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी सिटी में इनोग्रेट किया गया है, यानी कौन सी सिटी में यहाँ पर इसको ओपन किया गया है। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। आप इसके साथ में बता सकते हैं हु इज़ द नेवी चीफ, नेवी चीफ कौन है। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ का करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगी। वन मोर थिंग जो आपको इससे याद रख लेने कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, आपको एक हिंट मिल जाएगा। अनिल बैजाल जो हैं वो कौन हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, ये पूरा आप मुझे सेशन ख़त्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रख लें। टोटल आज के सेशन में हमने 14 क्वेश्चन किए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताया है कि 14 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आज के सेशन में आपके ठीक हुए हैं। आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगेन कल 4 PM क्लास होने वाला है आपका, आपको वो भी अटेंड करना है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। Subscribe to ADDA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.